सरकारी अवैध चावल को लेकर के कुछ मामला आया था सर, क्या था पूरा मामला? कल 25 तारीख को एक सूचना मिली कि टेम्पो लदे वाहन पे कुछ चावल का बोरी लाद के कोई ले जा रहा है। इस सूचना के आलोक में दिवागस्ती मेरे पदाधिकारी को मैंने मिर्जापुर पे भेजा और सत्यापन किया। सत्यापन पश्चात पता चला कि टेम्पो में कुछ चावल लदा है, जिसे सुरक्षा में तो लेके थाना लाया गया। इसके बाद आगे क्या कार्रवाई की जा रही है सर, क्या पता चला जाँच में? जाँच में एमओ आए थे, जांच के पश्चात उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया जिसके आधार पर सुदामडी थाना में कांड दर्ज किया गया। सर कल ही छूट गई थी गाड़ी, ये सूचना मिला पत्रकार लोग, ये पेपर में छपा भी है खबर सर, तो क्या जांच हुआ सर, कल क्या हुआ था और आज क्या हो गया कि केस करना पड़ गया? कल एमओ आए थे अपना जाँच के लिए, अपना जो ऑफिशियली वो लोग जाँच करते हैं और केवल जाँच के लिए आए थे और जाँच के आधार पर अपना डॉक्यूमेंट बनाए और चले गए थे। और आज अपना डॉक्यूमेंट जो अपना जांच किए उसके आधार पर इन लोगों ने पाया कि ये जो टेम्पो में चावल लदा था उसमें जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था वो डॉक्यूमेंट 6 महीना पहले का दिया गया था, जिसके आधार पर उनको संदेह हुआ और आज लिखित आवेदन दिए जिसके आधार पर पत्रकारों पर सर भी केस हुई है, रंगदारी वगैरह का क्या किसी? एक मैटर आया है जो टेम्पो वाला है जिसको यहाँ पर पकड़े हैं, वो बोल रहा था कि कोई उसको धमकी दे रहा था, धमकी कहने का मतलब है कि पैसा मांग रहा था। तो सर क्या वो भी मामला दर्ज हुआ है क्या? मामला अभी इंक्वायरी चल रहा है, वो तो बोला है कि और लिख के दिया है कि इस तरह का मामला है, कोई इसको पैसा मांग रहा था। सर पीडीएस चावल देना? हाँ ये तो पीडीएस चावल लिख के दिया है मैंने। किन किन लोगों पर केस हुई है सर? एक जो चावल के मालिक हैं उन पे और टेम्पो के चालक। मालिक मालिक का नाम है आकाश कुमार रजक और चालक हैं। सर अभी आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? चालक को पकड़ा गया था, चालक को अभी जेल भेजा जा रहा है। सर जो चालक बोल रहा कि अखिलेश कुमार को गुप्ता है सर? हाँ वो बयान दिया था कि अखिलेश कुमार गुप्ता का चावल है और ये कीर्ति मेहता के पास जा रहा है, ये वीडियो में वो बयान दिया था, तो सर क्या लगता है? अभी FIR हुआ है, इंक्वायरी चलेगा क्या है किसका है वो इंक्वायरी में पता चलेगा। सर वीडियो में एक वो रसीद दिखा था जिसमें सर रसीद में पेन नंबर आधार नंबर दिखा था, GST जगह पर आधार नंबर पेन नंबर दिखा रहा है। हाँ वही चीज़ बोल रहे हैं, रजिस्टर्ड हो चुका है केस, अब आगे इंक्वायरी होगा। एमओ तो लिख के दे दिया, उसके आधार पर रजिस्टर्ड हो गया पहले, अब उसके बाद इंक्वायरी चलेगा।